मुंबई के मलाड ईस्ट में एक स्कूल है, उसका नाम हम आपको बताते हैं। बड़े बड़े अखबार मुंबई के उनका नाम लेने से शर्मा रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूं कि क्या एडवर्टाइजिंग की वजह से मुंबई के धुरंधर अखबार इस स्कूल का नाम लेने से डर रहे हैं? क्या नाम है स्कूल का? सेठ जुगीलाल पोडार एकेडमी, मलाड ईस्ट। मलाड ईस्ट में 3 साल की बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन होती है, हाँ स्कूल का पीएन करता है, स्कूल का ट्रस्टी नहीं करता माइंड यू, हाँ, जी। लेकिन ट्रस्टी को 4 दिन से पेरेंट्स से मिलने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये मुद्दा नेशनल मुद्दा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि क्योंकि मीडिया नाम नहीं ले रही ना स्कूल का। हाँ क्यों भाई? मतलब इतने फाइनली जाके 1.5 दिन ढूंढने के बाद आज सुबह की एक स्टोरी है एशियन एज अखबार की, उन्होंने नाम लिया, जी उनको कोट कर रहे हैं हम, और पूछ रहे हैं कि 3 साल की बच्ची की मोलेस्टेशन जब हो जाती है तो स्कूल का ट्रस्टी साउथ बॉम्बे से लेके मलाड तक कितने किलोमीटर है जी? 25 होगा, नहीं 30 होगा, 1 घंटा 1.5 लगता होगा। स्कूल के ट्रस्टी को टाइम नहीं मिल रहा, और क्या एक ही पेरेंट्स ट्रस्टी, इतने परेशान हो रहे हैं, चक्कर क्या है? एक ही ट्रस्टी है? वेनेसडे को आपने कहा कि मीटिंग तय है पेरेंट्स के साथ और फिर कैंसिल कर दिया। मतलब ये केस हो रहा है, 1 अगस्त से 4 तारीख को सेक्सुअली असॉल्ट हुआ, 5 अगस्त को माँ ने यार जाके, एक दर्शक को एक बात बताओ, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैडम, अगर आप स्कूल के ट्रस्टी होते, जी इतने माँ बाप आपको बिजनेस देते, अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षा के लिए अपने स्कूल में भेजते, हाँ आपके स्कूल में ये हरकत हो जाती तो सबसे पहले आपकी तो फटली होती ना। क्या करते आप यही कहते ना, चलो यार स्कूल के पेरेंट्स को जाके मैं मिलता हूं, उनसे बात करता हूं कि ठीक है गलती हुई है, हम मानते हैं, हाँ हमने ये कदम उठाए हैं स्कूल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, हमने ये किया है, सारे हेल्पर्स को उठा के बाहर फेंक दिया है, औरतें हैं इस देश में उनको नौकरियां दे दी हैं, ये करते ना आप। पर ये पोडर, क्या नाम है इसका, सेठ जुगीलाल जुगीलाल पोडर अकेडमी मलाड ईस्ट, ये नाम क्यों नहीं ले रहे अखबार इनका बड़े बड़े? क्या एडवर्टाइजिंग के चक्कर है ये मैडम? ये सब पैसा कमाने की चक्कियां हैं। नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या एडवर्टाइजिंग या कोई भी पब्लिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बच्ची की जिंदगी से? इतने बड़े बड़े अखबार नाम लेने से तो ऐसे कतराते हैं जैसे स्कूल इन मलाड ईस्ट, रेप्यूटेड स्कूल, स्कूल टीवी चैनल पे कवर किया, नाम नहीं लिया। क्यों यार, किससे डरते हो? क्या आप अपने बच्चे को भेजोगे स्कूल में? मैं तो नहीं भेजूंगी, अगर मेरे बच्चे होंगे कल मैं तो पर दर्शकों को पता कैसे लगेगा कि कौन से स्कूल में ये हरकत हुई है? क्यों मीडिया नाम लेने से डरती है? क्या साठगांठ होती है मीडिया की? प्रेस, वेयर इज द मोरालिटी? भैया शेयर करो, इसको नेशनल मुद्दा बनाओ, 3 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हो रही है। किसी भी स्कूल में भी हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, और क्यों नहीं पता लगाना चाहिए कि, और स्कूल्स को भी नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए ना। ठीक है यार गलती हुई है, ट्रस्टी कहता है यार मैंने स्कूल खोला था, कोई सेक्सुअल मोलेस्टेशन का अड्डा तो नहीं खोला, मानता हूं गलती हो गई है, बट दिस इज द वे वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड। क्या दाल में काला है कि ट्रस्टी मिल नहीं रहा कोई? एक ही ट्रस्टी है स्कूल का, साउथ बॉम्बे से मलाड आके उसकी बच्ची को मोलेस्टेशन हुए, पता लगे ट्रस्टी को कि क्या होता है, माँ बाप का खून कैसे सड़ता है। अगर What nonsense, मैडम, ये अपने अपने ही बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो क्या चुप बैठता कोई भी ट्रस्टी? दर्शकों, आप 500 दर्शकों जो इस वक्त इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हो फेसबुक पे, हाँ। शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि हर अगला पियन हर अगली बच्ची को हाथ लगाने से पहले कांपे उसकी रूह। वी हैव टू सपोर्ट कॉमन पीपल, दैट इज वॉट एम्प्रेस इज, राइट? ट्रस्टी साहब अपनी नाक नीचे करो, आके पेरेंट्स से मिलो, नहीं तो पेरेंट्स सारे अपने बच्चे निकाल के ले जाएंगे, अंगूठा हिलाते रह जाओगे आप अपने स्कूल में। नो मोर रेप्यूटेड स्कूल। जय हिंद, रॉबिन हुड, आम प्रेस, 5 फुट चेंज। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, अब ये मैडम भी हमारी थोड़ी आग उगलने लगी है, मुझे अच्छा लग रहा है। गुड, कम ऑन, शेयर करो। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप लिस्ट पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सेंड मैसेज आपके शहर का नाम लेकर 9920807000 पे। This is just Janet for Arm Press.